है, जल्दी जल्दी करो सब, अगले साल तक करना है क्या? पहले उपचार कर जाना है। घुन, अगर मर्द की औलाद है तो वहीं रुकना। अबे आ जाओ ऊपर। तो माधव अबे कहाँ मर गया? अरे ये इधर। अरे यार तेज जा रहा है अभी, आज छोड़ेंगे नहीं साले को। रुक साले, मुझसे पैसे मांग रहा है तू? मुझसे पैसे मांग रहा? भूल गया तेरा वीडियो मेरे पास में? बोल ये साले, याद रख यहीं से नीचे फेंक दूंगा साले, मर जाएगा। भूलना मत कि तेरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। भूलना मत साले, जरा जीना आराम ना कर देना, मेरा नाम भी तेज रात नहीं, समझा? अबे देख क्या रहा हूँ मार्क्स। ये जो तुम दो तूने मारे ना वो रहे, और ये ले इसका ब्याज। साला मुझे मारेगा? अगली बार हाथ उठाने से पहले ना 10 बार सोच लियो। क्या कर रहे हो यहाँ पे? नीचे काम रुका, इसके लिए तुम लोगों को पैसा मिलता है। चलो फटाफट चलो यहाँ से, चलो। तेरी साले, हेलो, ठीक, फोन पर ज्यादा बातें मत करो, मैं मिलकर बात करूंगा। छोड़ूंगा नहीं। दुआ सलाम करने का मन भी नहीं करता अब तो। बेहतर यही होगा कि उससे दूर रहो। शर्माती कि नहीं इस उम्र में ये सब कुछ करते हुए? बहुत बार बोल चुका हूं लेकिन अब आखिरी बार बोल रहा हूं, ये जो कुछ भी कर रहे हो बंद कर दो। और हाँ एक और बात, इस उम्र में क्या होगा ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से स्कूल की लैब से निकाल ले चुके, बार बार ये काम हर सुकून होला। कितने रुपए हो गए? 500 रुपए। हेलो, हाँ प्लान वही है, 10 बजे तो बुंदी मत लगाना। हाँ बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हेलो, सब इंस्पेक्टर जगताप सिंह। क्या पूरा एरिया अच्छी तरह से छान मारो। जी सर। अक्सर शिकारी जंगल में पूरी तैयारी के साथ शिकार करने निकलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो खुद शिकार बन जाता है।
उस वक्त ना हाथ में रखा हथियार काम आता है और ना ही दिमाग। ऐसा ही कुछ जयपुर के तेजराज के साथ हुआ। किसी और की मौत का सामान खरीदने वाले तेजराज की लाश उसी बैग में मिली जो उसने किसी और के लिए खरीदा था। लेकिन तेजराज किसकी जान लेना चाहता था और अपनी मौत के पहले वो किस MMS का जिक्र कर रहा था? क्यों वो किसी के राज को दुनिया के सामने लाना चाहता था? पर अब तेजराज की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो चुके थे। सर, मेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, ये आदमी जिस वक्त मरा उस वक्त इस आदमी को किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया और शायद इसकी हत्या बेहोश करके की गई हो। बॉडी को देखकर ऐसा लगता है सर कि बड़ी बेरहमी से इसके बॉडी पार्ट्स को काटा गया। और हाँ सर, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आदमी को 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं मरेगा। एक बात और, चाकू को मैंने लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया था, उस पर कुछ खून के ट्रेसेस मिले हैं जो इस आदमी के DNA से मैच करते हैं, पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला है सर। जगताप, हमारे पास एक अनजान शख्स की लाश है, मर्डर का वेपन भी है, और जिस तरह से खून करके बॉडी को ठिकाने लगाया गया है उससे लगता है कि ये किसी कोल्ड ब्लडेड मर्डरर का काम है। एनीवे, इस आदमी का कोई क्लू? नो सर, अभी तक तो इस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। मैंने जयपुर के आसपास के सभी पुलिस थानों में इसकी फोटो भिजवा दी है और हम खुद भी यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 2 दिनों में इस आदमी को मिसिंग फाइल रिपोर्ट हुई है कि नहीं। गुड, मैं ये सारे एविडेंस और इस आदमी की बॉडी वापस से चेक करना चाहूंगा। सर, सर ये बॉडी के कपड़े, एक चाकू जिसे हत्या की गई, एक बारकोड मिला सर साथ। बारकोड जगताप। हाँ सर। अपनी टेक्निकल टीम से कहो कि इस बारकोड को स्कैन करें, पता करें कि ये बैग कहाँ से खरीदा गया है। बारकोड से सेलर की डिटेल मिल जाएगी, फिर जहाँ से भी ये बैग खरीदा गया है उस दुकान या उस जगह के CCTV फुटेज से हो सकता है हमें कातिल का चेहरा मिल जाए। पतंग? माँ, तुम मेरे लिए पतंग लाई हो? हाँ बेटा, तुम्हें पतंग पसंद है ना? हाँ। इसलिए आपकी माँ आपके लिए पतंग लाई है। थैंक यू माँ। माँ, हाँ? आज शाम को जल्दी आओगी ना? बेटा, बस कुछ दिन हो, उसके बाद माँ का पूरा समय सिर्फ आपके लिए होगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा बेटा। माँ देखो, मेरी पतंग उड़ रही है। क्या बात है ऐसे बीच में आने की वजह? हर बात की वजह चाहिए ना तुझे, हुँ? देख, ज्यादा उड़ मत, समझी? तू मेरा कुछ कर नहीं सकती है, और ये तेरे नए नए आशिक है ना, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सबको कैसे ठिकाने लगाना मुझे मालूम है, और तू जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। चल। ओके, ठीक है, ठीक सर। उस बारकोड के बारे में पता चल गया, इस बैग को ग्रहशोभा स्टोर से खरीदा गया था करीब 3 दिन पहले। वहाँ की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से मैंने बातचीत की है, उनके पास पिछले 1 हफ्ते की फुटेज मौजूद है। सर यहाँ तो विक्टिम खुद है। सर ये खरीदारी करीब 1:17 पे की गई थी दोपहर में। बिल पे लिखे टाइम से हमें पता चल जाएगा कि आदमी कौन था। हमें ये बिल का डिटेल मिल सकता है? एक सेकंड सर। रही रही बिल की डिटेल। सर ये देखिए, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया गया था। इस आदमी का नाम तेजराज सिंघानिया है। इस कार्ड की डिटेल से इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें और पता करो कि कार्ड के ट्रांजैक्शन में दिया गया ये नाम इसी आदमी का है या नहीं। अगर ये आदमी तेजराज सिंघानिया है तो इसके बैंक से इसके पूरे डिटेल हासिल करो। ओके सर। सर ये रही इस कार्ड की डिटेल,
ये तेजराज यही सेक्टर 11 में रहता है। राइट, चक्का। हाँ सर। सर्च एवरीथिंग। जगताप। हाँ सर। ये देखो, मुझे पूरा यकीन है कि 3 दिन पहले तेजराज को यहीं उसके घर पर मार के ठिकाने लगाया गया है। ऐसा करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने किसी को आते जाते देखा हो। ये तेजराज करता क्या था? ये टाइल्स वाइल्स बनाने का काम करते थे। तेजराज के घर पे कौन कौन आता जाता था? आपने कुछ देखा था? अभी रात को 2 दिन पहले एक टेम्पो आया था, इनका टाइल्स का काम था, तो मैंने सोचा इसीलिए आया होगा, अंधेरा होने के कारण मैंने कुछ नहीं देखा। ठीक। सर, तेजराज के घर पे कोई औरत आती जाती थी, शायद तेजराज का उस औरत के साथ कोई चक्कर हो। ये पड़ोसी बता रहा था कि 2 दिन पहले जिस दिन तेजराज की मौत हुई, इसने एक टेम्पो इस गली में देखा था, अंधेरा होने की वजह से इसे कुछ साफ नजर नहीं आया। जगता पे काम करो। हाँ सर। इस आदमी का मोबाइल नंबर और ऑफिस का एड्रेस निकालो, अगर ऑफिस में कोई और काम करता है तो उससे भी पूछताछ करो। ओके सर। माँ, इसमें क्या भरेंगे? बेटा एक मिनट पकड़ो। हेलो, मयूर। बेटा आप पढ़ाई करो, मैं अभी आती हूँ। मत जाओ ना। बेटा मेरा जाना बहुत जरूरी है ना? नहीं जाऊंगी तो फिर आपके लिए चॉकलेट कौन लाएगा, है ना? तो मैं जाऊं। आप यहाँ, हमें अच्छा लगा आपको देखकर। अब कुछ ऐसा कर दीजिए कि मजा ही आ जाए। अब तो तुम तुम्हारे पति को भी नहीं बता सकती। ऐसे नहीं मानेगी तो। तेजस साहब के उनके पिता चितरंजन सेठ से बिल्कुल नहीं बनती थी, और यही वजह थी कि वो उस घर में रहकर भी बिल्कुल अकेले रहते थे। 2 दिन से वो ऑफिस नहीं आया और तुमने पता करने की कोशिश नहीं की? वैसे भी वो इन दिनों कम आया करते थे, और सारा काम मैं ही संभालता हूँ, और कल रविवार होने की वजह से छुट्टी थी। तेजराज का मोबाइल नंबर देना। तेजराज का केबिन कहाँ है? ऑफिस इधर है, आइए मैं दिखाता हूँ। सर ये रहा उनका केबिन। ये कंप्यूटर तेजराज इस्तेमाल करता होगा। यस सर। ये हमेशा लॉक ही रहता है? सर इतना तो कभी ध्यान नहीं दिया, वैसे लॉक ही होगा। जगताप। हाँ सर। ये सीपीयू ले लो। ये सीपीयू हम लेके जा रहे हैं, फिलहाल ये लॉक है, पर हमारे पास हर ताले की चाबी होती है। मयूर। हाँ पापा। बेटा मम्मी कहाँ है? मम्मी? हाँ। मेरे लिए चॉकलेट लाने गई है। कहाँ गई थी कुसुम? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी कुसुम?
मयूर आप मैं चॉकलेट। थैंक यू मम्मी। मयूर दो मिनट बाहर खेलो बेटा। ठीक है। कुसुम क्या बात है? हाथ में सामान नहीं दिख रहा है, बाहर गई थी। आखिर हुआ क्या है तुम मुझे बता सकती हो? नाराज हो क्या मुझसे? कुसुम कुसुम मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ है? क्यों पीछे पड़े हो? समझ में नहीं आता, एक बार बोला ना बाहर गई थी, दोबारा बोलो, नहीं तो बोलो दोबारा बोलती हूँ। कुसुम के बारे में जो कुछ भी दिख रहा था क्या वो सच था? क्या कुसुम की ही वजह से तेजराज की जान गई थी? और क्या वो अपने पति को भी धोखा दे रही थी? भुवन के साथ काम करने वाला माधव आखिर ऐसा क्या जानता था जिसकी वजह से कुसुम उससे मिलने गई और जिसके बाद माधव ने कुसुम के साथ बलात्कार किया? ये सारे सवाल एक जवाब के इंतजार में थे जो बहुत जल्द सामने आने वाला था। चित्रंजन जी, आपके बेटे की मौत का हमें भी दुख है, लेकिन हमने लोगों से सुना है कि आपकी अपने बेटे से बनती नहीं थी। क्या मैं जान सकता हूं कि इसका कारण क्या है? सर, मेरी मेरे बेटे से बने या ना बने, पर सच्चाई तो यही है ना कि मैं उसका बाप हूं। हाँ, बिजनेस को लेकर कुछ कासुनी हुआ करती थी मेरे और उसके बीच, जिसके बाद उसने ये घर छोड़कर अलग रहने का फैसला किया। आपको किसी पे शक है? जी नहीं। सर, तेजराज की कॉल रिकॉर्ड्स आ चुकी है। मैंने कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छे से चेक किया है, उसमें कई नंबर्स थे, पर जिस नंबर पर वो सबसे ज्यादा बातचीत किया करता था वो तो तेजराज के नाम पर ही रजिस्टर निकला। उसका खरीदा हुआ बैग और उसी का खरीदा हुआ चाकू और ये नंबर भी उसी के नाम पे। माजरा क्या? खैर, वो CPU अनलॉक हुआ? सर, हमारी टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है, लॉक खोलने के प्रोसेस में सारा डाटा इरेज ना हो जाए इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। गुड, जगताप एक काम और करो। हाँ सर। इस तेजराज के पिछले एक साल के सारे डिटेल्स निकलवाओ, ये कहाँ कहाँ गया, किस किस क्लाइंट से मिला, सब पता करो। और हाँ, इसके ये दोनों नंबर जो इसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं, इसका पूरा एक साल का कॉल डिटेल्स निकालो, ये कब कब और कहाँ कहाँ एक्टिव थे सब पता करो। ओके सर। सर ये देखिए, ये सारे अश्लील फुटेज हमें तेजराज के कंप्यूटर से मिले हैं। मैंने चेक किया था, इस आदमी का नाम भुवन है और शायद ये वही औरत है जिसको लोगों ने घूंघट में आते हुए देखा था। इस आदमी का फोटो मुझे तब दिखाई दिया जब मैं तेजराज के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था। मैंने कुछ और नंबर की भी डिटेल्स मंगवाए थे और इस आदमी के बारे में भी मैंने पता किया है। ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है सर। क्या रे भुवन, बड़े तोड़ने जोड़ने के कॉन्ट्रैक्ट लेता है, अब तेरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है। हमें देख के तू समझ ही गया होगा कि हम क्या तोड़ते हैं। अरे हुआ क्या साहब, ये तो बताओ, अरे हमने किया क्या है? क्यों मारा तेजराज को? क्या बात कर रहे हैं साहब, हम काहे मारेंगे तेजराज को? झूठ मत बोल, माधवन ने हमें सब बताया है कि एक बार अपनी साइड पे तूने उसे मारा भी था और दुश्मनी में सुना है कि तू सूद के साथ साथ ब्याज भी वापस करता है। तुम दो तूने मारे ना वो रहे, पर ये ले इसका ब्याज। साला मुझे मारेगा? साहब झगड़ा हुआ था लेकिन पहले हाथ उसने उठाया था, उसके पास हमारा एक MMS पड़ा हुआ था, हमको रोज धमकी देता था कि हमारी बीवी को दिखा देगा। वो MMS तो उसके कंप्यूटर में बाहिफाजत रखा हुआ है। उस MMS में वो औरत कौन थी तेरे साथ? सब वो हमारे दोस्त दिनेश की पत्नी कुसुम थी। दिनेश टिफिन सप्लाई करने का काम करता था, कभी कभी मुझे मजदूरों की कमी पड़ती थी तो मजदूर भी सप्लाई करता था। इसी सिलसिले में उसके घर पे खाने वाने पे जाना आना हो जाता था, वहीं मेरी मुलाकात कुसुम से हुई। धीरे धीरे कुसुम पास आने लगी और एक दिन जब दिनेश घर पे नहीं था तो
पैसे मिल सकते हैं क्या? उसके बाद ही मुझे मालूम चला कि कुसुम का चक्कर मेरे ही साथ नहीं बल्कि और लोगों के साथ भी है। तेजराज के साथ भी उसका चक्कर चालू हो गया था साहब। वो तेजराज कुसुम के पीछे पागल हो गया था। मुझे भी उसने धमकी दी थी कि कुसुम से ना मिलूं। इसी कारण हम लोगों के बीच मारपीट भी हुई थी। जिस रात तेजराज का खून हुआ उस रात तू कहां था? साहब मैं अपनी बीवी के पास था। आपको यकीन ना हो तो पूछ सकते हैं साहब। सर मैंने भुवन की बीवी से बातचीत की थी। वो उस रात अपनी बीवी के साथ घर पर ही था। मैंने फोन लोकेशन भी ट्रेस किया था। फोन लोकेशन भी घर का ही निकला। लेकिन हाँ सर, भुवन ने जो कुसुम का एड्रेस बताया था उस एड्रेस पर तेजराज का दूसरा नंबर अक्सर एक्टिव था जिससे उसे अक्सर कॉल आया करते थे। मैंने उस नंबर के मर्डर वाली रात के कॉल डिटेल मंगवाए। मर्डर वाली रात को भी वो नंबर वहीं एक्टिव था। उसका मतलब वो दूसरा नंबर कुसुम इस्तेमाल कर रही थी। चट्टा फौरन एक टीम तैयार कर। वक्त आ गया है कि इस केस में उठे हर सवाल का जवाब कुसुम अपनी जबान से दे। चलो कुसुम मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरी बात समझने की कोशिश करो कुसुम। मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। चुप रहोगे तुम? कुसुम क्या हुआ सर? कुसुम के जाने का वक्त हो गया दिनेश। इसे कुछ जरूरी सवालों के जवाब देना है। चलो कुसुम लेके चलो इसे। लेकिन साहब हुआ क्या साहब? साहब साहब देखो कुसुम, जो नंबर तुम यूज कर रही हो वो तेजराज के नाम पे रजिस्टर्ड है। तुमने अपना नंबर अपने नाम पर क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि साहब नंबर खरीदने के लिए जो कागज लगते वो मेरे पास नहीं थे। तेजराज से तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई? मैं उसके पिता चित्रंजन से कुछ जानती। चित्रंजन? तुम चित्रंजन को कैसे जानती? मैं सर अपने पति के साथ जगह जगह टिफिन बांटने जाया करती थी। उसी सिलसिले में मैं एक बार चित्रंजन सेठ के ऑफिस भी गई थी। ये तुम्हारा इस महीने का टिफिन का हिसाब। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगेगा अगर इससे भी दोगुना पैसा हर रोज तुम्हारे हाथ में हो? मतलब सर? इसके बाद सर मैं तेजराज से भी मिली। उसने भी मुझे पैसे दिए थे। उन दोनों के बीच मेरी वजह से तनाव बढ़ता गया था। तेजराज पागल हो गया था साहब, क्योंकि मैं बहुत से लोगों के साथ ये सब करती थी। तेजराज भी उन लोगों में से एक था। तेजराज साहब मेरा इस्तेमाल कर रहा था। तुमने उसे क्यों मारा? क्योंकि साहब वो सब लोगों को डराने धमकाने लगा था जिनसे मैं पैसे कमाती थी। उसने साहब उसने भुवन को भी धमकाया। यहाँ तक कि उसने मुझे भी धमकी दी कि मैं उसके हिसाब से चलूं, नहीं तो वो मेरे पति के सामने मुझे बेकदाब कर देगा। जिस तरह साहब कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए, उसी तरह साहब मैंने भी मार दिया उसे। जगताप, जैसा कि ये औरत बता रही है मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं। हो ना हो इस सब में इसके साथ कोई ना कोई जरूर था जिसका नाम ये हमसे छुपा रही है। क्योंकि जिस तरह से तेजराज की जान गई है वो किसी अकेली औरत का काम नहीं हो सकता। इसमें जरूर उसने किसी ना किसी की मदद ली। क्या इस सब में चित्रंजन उसके साथ नहीं हो सकता? सर पर एक बाप अपने बेटे को। जगताप यहाँ मामला बाप और बेटे के रिश्ते से ऊपर उठ चुका है। दोनों की जान एक ही औरत में बसती है।
ऐसे मामलों में जहां दो लोगों की जान एक ही चिड़िया में बसती हो, एक की जान जाना लाजमी है। हेलो चित्रंजन जी, कहानी को इस तरह अधूरी छोड़कर जाना तो अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब? अभी समझ जाओ। मैं कहीं भाग नहीं रहा था, दिल्ली जा रहा था जरूरी काम से बिजनेस के सिलसिले में। पर मुझे लगता है कि अब आपको दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। बहुत मजे लिए हैं आपने कुसुम से इस उम्र में। अपने बेटे को मारने से पहले हाथ नहीं कांपे आपके? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने बेटे को नहीं मार सकता। हाँ ये सच है कि मेरे और कुसुम के बीच अवैध संबंध थे, जिसके कारण मेरा मेरे बेटे से रिश्ता खराब हुआ। पापा वो शर्म नहीं आती आपको? अगर बाहर किसी ने देख लिया ना, आपका जीना मुश्किल कर देंगे। मेरी जिंदगी मैं कैसे जीऊंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, और मुझे अपनी मंजिल पता है। कुसुम, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस उम्र में आप ये सब कुछ कर रहे हैं। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा कि इस उम्र में आपके ऐसे शौक और ऐसे अरमान हैं। कुसुम ने हमें सब कुछ बता दिया। कुसुम ने हमें यह भी बता दिया है कि तेज राज को मारने में आपने उसका साथ दिया था। झूठ बोल रही है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो बाद में पता चला कि कुसुम हम दोनों के साथ सोती है। यही नहीं, इसके और भी आशिक हैं जिनके साथ इसके रिश्ते और भी गहरे हैं। मैंने अपने बेटे को नहीं मारा सर, मुझे लगता है अपने किसी आशिक के साथ मिलकर इसने मेरे बेटे को मारा है। आप कहें और हम मानने, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता, आप यहीं रहेंगे हमारे मेहमान बनके। पुलिस को यह तो पता था कि कुसुम इस मर्डर में शामिल थी, लेकिन जो बयान उसने दिया था उसमें कहीं ना कहीं कमियां थी, और यह बात बिल्कुल साफ थी कि इस कत्ल को अंजाम देने में किसी और ने भी कुसुम की मदद की थी। लेकिन वो था कौन? अब तक जितने भी नाम पुलिस के सामने आए थे, उन सभी के साथ कुसुम के संबंध तो थे, लेकिन कमी थी तो उसे एक ठोस वजह की, जो तेजराज की मौत का कारण बन गई। कुसुम, इस खून में तुम्हारे साथ और कौन था? कोई नहीं सर। मतलब एक 6 फुट के मजबूत आदमी को तुमने अकेले ही मार गिराया, वो भी एक छुरे से? नहीं सर, पहले मैंने उसे क्लोरोफॉर्म सुनाया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। हाँ, तो बॉडी को काटने से पहले कोई टॉनिक पी लिया होगा। तुम कितना भी झूठ बोलो कुसुम, हम सच को खोद निकालेंगे। जगताप, इस केस की थ्योरी बड़ी अजीब है। एक आदमी जिसका खून हुआ, वो खुद ही उस बैग और चाकू का खरीदार था जिसमें उसकी बॉडी मिली। कुसुम इस खून की जिम्मेदारी ले रही है, पर ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक औरत का इतनी बड़ी बॉडी को काट कर एक बैग में भरकर जंगल में फेंक कर आना इम्पॉसिबल है। क्या ये हो सकता है कि तेजराज ने खुद ही वो बैग और वो चाकू किसी और को मारने के लिए खरीदा हो, और इस बात को कुसुम जानती हो, और कुसुम ने शिकार के साथ मिलकर खुद ही शिकारी का शिकार कर दिया हो? क्या तेजराज कुसुम के किसी प्रेमी को मारना चाहता था, और तेजराज का किसी और को मारने का प्लान उसकी ही मौत का कारण बना? सकता? हाँ सर। तेजराज का वो दूसरा नंबर जिसे कुसुम इस्तेमाल कर रही है, एक बार फिर से पूरी तरह से कंगालो। ओके सर। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स, सब कुछ। तू और कुसुम टच में थे। जिस रात तेजराज का कत्ल हुआ, उस रात भी तू वहीं मौजूद था, तेजराज के घर पे। साहब, दिनेश मेरा मौसेरा भाई है। बिहार से वो हमें यहाँ काम के सिलसिले में लेकर आया था। यहाँ आकर देखा, दिनेश सारे दिन दारू पीकर नशे में रहता था, और कुसुम ही सारा काम संभालती थी। हमें तो काम के नाम पर बस कुसुम पर नज़र रखनी होती थी साहब, और नज़र रखते रखते ना जाने कब हमारी नज़र ख़राब हो गई।
साहब कुसुम ने एक में चार जोड़कर दिनेश के कान में मेरे खिलाफ जहर भर दिया था साहब, और इसीलिए दिनेश ने मुझे भुवन के साथ साइट पे काम करने में लगा दिया और वहीं दिनेश से मेरी मुलाकात होती रहती थी। अब ये बता कि कुसुम के बेटे को क्यों उठाया तूने? कौन है बे? तेरा बाप। अरे बाप से याद आया, तेरा बच्चा कहाँ है दिनेश? बच्चा याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, अभी लेकर चलता हूँ तेरे बच्चे के पास। चलो। अरे क्या कर रहे हैं साहब? बोल। देख दिनेश, तूने जो किया ना, ये तो बस उसका ट्रेलर था। अब तू डिसाइड कर ले कि तुझे पूरी फिल्म दिखाएं या तू पूरी कहानी सुनाएगा। बोल। शराब की लत ने पैसों की जरूरत पैदा कर दी थी, और इन पैसों की जरूरत ने मेरे अंदर एक हैवान को जन्म दे दिया था। मैंने सोचा कि जुआ खेलकर अच्छा पैसा कमा लूंगा, पर नहीं साहब, वहां भी तकदीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं कुसुम के टिफिन वाले काम से ही पैसे कमाने लगा साहब। मेरी बदकिस्मती कि एक वक्त के बाद कुसुम ने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया था। दिनेश, पर्स छोड़ो, छोड़ो पर्स, छोड़ो पर्स। ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं, तुम्हारी अय्याशी के लिए नहीं कमाए हैं मैंने, मेरे बच्चे के काम आएंगे पैसे। तुम तो दारू पियोगे जाके, नहीं दे सकती मैं पैसे तुमको। मैंने सोच लिया था साहब कि पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे बेटे के खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी साहब, और मैंने जाकर कुसुम को कह दिया कि उसे ब्लड कैंसर है। पर सर, वो फौरन डॉक्टर से मिलना चाहती थी, बहुत बिगड़ने वाली थी साहब, डॉक्टर वर्मा ने सब संभाल लिया। एक काम करो बेटा, आप बाहर जाके बैठो, हम आपके फादर से बात करेंगे। देखिए, ये बीमारी उम्र के साथ नहीं होती, ये किसी को भी हो सकती है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि बीमारी मयूर को है। मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी हैं, ये देखिए। उसका केस काफ़ी क्रिटिकल है, उसका इलाज हमें जल्द से जल्द शुरू करना होगा, और ये इलाज काफ़ी महंगा भी है, हमें उसमें लाखों रुपए लग सकते हैं। सर, हम कहीं से भी करके सारे पैसे ले आएंगे, हम कुछ भी करेंगे, कहीं से भी इंतजाम कर लेंगे, आप बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे मयूर को आप बचा लीजिए, उसे कुछ हो गया तो मैं भी जहर खा के मर जाऊंगी साहब। मैं आपके सामने प्रार्थना करती हूँ साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बचा लीजिए मेरे बच्चे को। मुझे मालूम था साहब कि मयूर को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगी, बस उसकी मजबूरी का फायदा उठा लिया था। क्या बात है, आज बड़ी गुमसुम हो। मयूर के बारे में सोच रही हूँ, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे, कैसे मैं क्या करूँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आज भुवन से मेरा झगड़ा हो गया था। क्यों, क्या हुआ? साले की हिम्मत तो देखो, कह रहा था कि क्या कह रहा था? कह रहा था कि वो तुम्हारे साथ सोना चाहता है, चाहे जितने पैसे ले लो। ये सब मैंने अपने अपने बेटे के लिए किया था, उसको बचाने के लिए ये सब मैंने किया। मेरी मुलाकात भुवन से हुई, उसने मुझे ये सब करने के लिए 2,00,000 रुपए दिए साहब। फिर साहब दिनेश ने आके बताया कि इलाज में और ज्यादा पैसे लगेंगे, उसके बाद चित्रंजन ने मुझे 7,00,000 रुपए दिए। साहब,
सब मैंने जो कुछ भी तेजराज के बारे में बोला सब झूठ था, सब झूठ था साहब। तेजराज ने कभी मुझे परेशान नहीं किया, कभी नहीं। वो बस एक बात से मुझसे नाराज रहता था कि मैं चित्रंजन और भुवन के साथ दोनों के साथ। एक दिन साहब उसने मुझे मेरे बेटे के साथ देखा, उसने मेरा दर्द महसूस किया सर। उसने साहब दिनेश और भुवन के सारे पैसे लौटा दिए और उसने उसने मेरे मयूर को एक बड़े और एक अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया। कुसुम, क्या कहा डॉक्टर ने? मेरा मयूर ठीक तो हो जाएगा ना? ठीक तो तब होगा ना जब इसे कुछ हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ इसे, तेरा बेटा एकदम ठीक है। तेरे पति ने तेरे साथ धोखा किया है, तेरे साथ खिलवाड़ किया है, तेरी जिंदगी बेच के उसने सिर्फ पैसे कमाए हैं। उस दिन तेजराज की मुलाकात भुवन से हुई, उसने भुवन को कहा कि वो मुझसे दूर है। तेजराज की मौत कैसे हुई? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ पैसों के लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पुलिस में जाकर सब कुछ तुम्हारे खिलाफ सच सच बताऊंगी, सब कुछ। तुम्हें मैं जेल में सड़ते हुए देखना चाहती हूँ। इतना आसान है मुझे जेल भेजना? मयूर अभी 4 फीट का है, अच्छा ललगेगा कि उसके छोटे छोटे 4 टुकड़े कर दूं। अगर किसी के आगे मुख खोला तो याद रखना उसकी बोलती बंद हमेशा के। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? तेजराज वो मेरे बेटे को मार देगा, उसने मुझे धमकी दी है। ठीक है, फोन पर ज्यादा बातें मत करो, मैं मिलकर बात करूंगा। छोड़ूंगा नहीं। चाची मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, जो हुआ सो हुआ। मुझे नहीं लगता कि हमें दिनेश को जान से मारना चाहिए। क्या बातें कर रही हो तुम? ये दिनेश इंसान नहीं है, हैवान है, और हैवान को मारना कोई गलत काम नहीं है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं कर सकती। मैं कहूंगी तुम भी मत करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मयूर को कौन देखेगा, उसे कौन संभालेगा? प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो, तुम कहती हो तो मैं दिनेश को नहीं मारूंगा। मैं ये चाकू, ये क्लोरोफॉर्म, ये बैग, ये सब फेंक दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। थैंक यू। साले मुझे मारने की सोच रहे हो तुम लोग? मुझे मारने की सोच रहे हो तुम लोग? मुझे मारने की सोच रहा था ना? नहीं, मुझे मार। देख अपने मजनू की हालत, आज के बाद जैसा कहूंगा वैसा ही करेगी। और सुन सुन, पुलिस तक ये बात पहुंचाई ना तो तेरे बेटे को ऊपर पहुंचा दूंगा। माधव, माधव जल्दी आ जा।
आखिरकार इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझी। डॉक्टर वर्मा, दिनेश और माधव आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। दिनेश नशे का आदी हो चुका था और ये नशा उसकी रोज की जरूरत बन चुकी थी। दिनेश की घटिया सोच उसके दिमाग में चिंगारी बनकर पनप रही थी जिसने जुर्म को हवा दी। लेकिन इस हवा से फैली आग ने दो बेकसूर जिंदगियों को तबाह कर दिया। पर आखिर कुसुम की गलती क्या थी? क्या उसकी गलती ये थी कि वो अनपढ़ थी जिसकी वजह से दिनेश के लिए उसे बेवकूफ बनाना आसान हो गया था? या उसकी गलती ये थी कि एक माँ होने के नाते अपने बच्चे को बचाने के लिए वो आग के दरिया में कूद पड़ी? कुसुम की अंधेरी दुनिया में तेजराज एक उजाले की तरह से आया था जो कुसुम को चाहता था और उसे इस सबसे दूर ले जाकर एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। किसी भी पाक रिश्ते की शुरुआत एक आपराधिक सोच के साथ नहीं की जा सकती। तेजराज ने दिनेश को मारने की साजिश रची जिसे किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। भले ही उसका मकसद कुसुम को इस नर्क से निजात दिलाना हो, लेकिन इंसाफ कानून के हाथों होता है, जुर्म का सहारा लेकर नहीं। गोपाल जी, 2 रुपया कम है, कल दे दूंगा, चलेगा ना? कल 2 रुपये आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे, दे दूंगा। तो फिर समोसे भी कल ही खा लेना, आज अगर समोसा नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, समझे? चले आते। अरे 2 रुपये के लिए इतना बातें सुना रहे आप मुझे? अरे कल तू अगर बिना पैसे दिए हुए मर गया ना, तो फिर मुझे पैसा वसूलने के लिए तेरे घर में अगले जन्म में कुत्ता बन करके पैदा होना होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, बुजुर्ग लोग कह गए हैं। कागज भी मेरा खराब कर दिया। कैसे आदमी है? सुनिए, मुन्ना पालने में नहीं है। क्या? मुन्ना पालने में नहीं है। अरे देखो वही कहीं गिर गया होगा, उधर देखो। आप भी? अरे अमित, अमित पकड़ो, पकड़ो, रुक। कोमल, तुम बच्चा मुझे दे, मुझे मेरा बेटा मच्छी नहीं, प्लीज मेरा बच्चा वापस दे दीजिए। फालतू की बातें बंद कर, मैं तेरा बच्चा कोई बाजार में बेचने नहीं जा रहा हूँ। अगर तुझे बच्चा चाहिए तो अपने बाप से कहे मेरी शर्त पूरी करे, जब तक पूरी शर्त नहीं होगी तब तक ये बच्चा मेरे पास जमा रहेगा, समझी तू? बाबूजी, मैं आपके पैर पड़ती, मेरा बच्चा बच्ची नहीं है। मत समझ कि तेरी इस हरकत में मैं तेरे पाँव नहीं तोड़ रहा हूँ, समझी? चल भाग यहाँ, तुम लोग यही खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? मैं अंदर जाकर के बच गया लू, चलो सब लोग अंदर। समझ बाबूजी। गोपाल के लिए पैसा खून से भी ज्यादा सुर्ख, गहरा और कीमती हो गया था, जिससे ज्यादा से ज्यादा बटोर लेने के पागलपन में अब वो हर रिश्ते की बोली लगाने लगा था, शर्तें रखने लगा था। और यही वजह थी कि उसके अपनों के दिल में भी हर बदलते पल के साथ उसके लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। बेटा, बेटा कहाँ चली गई थी तू? हाँ बोल ना, कहाँ चली गई थी? कोमल, मैंने तुम्हें मना किया था ना, उस लिचड़ के पास मत जाना। कैसे ना जाती, मेरा बच्चा उनके पास। ये अकल तुम्हें पहले नहीं आई? जब मैंने उस अनएजुकेटेड अनकल्चर्ड घर के साथ कोई भी रिश्ता बनाने के लिए मना किया था। पापा, जो कुछ हो गया आप उसे बदल नहीं सकते, प्लीज उनकी सारी शर्तें मान लीजिए। नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन उस
घटिया गोपाल की एक भी शर्त नहीं मानूंगा मैं, और उसने ये जो प्रॉब्लम खड़ी की है ना, उसका कोई ना कोई तोड़ तो जरूर निकालूंगा मैं। तो सामने से क्या खंभा जैसे आके खड़े हो गए? अरे लड़ना चाहते हो क्या? चाहे जितना अड़ लो या तन लो, मुझसे मेरी शर्त वापस नहीं करवा पाओगे। अब भरोसा ना हो तो इस बात की दूसरी शर्त लगा लो। तुम जैसे कई लंगूरों को अंदर करवाया मैंने, ये मत भूलना कि मैं एक इनकम टैक्स कमिश्नर था। हाँ कमिश्नर थे, लेकिन अब सिर्फ हमारे समधी हो, वो भी लड़की के बाप। इसलिए मुंडी नीची करके इतना अच्छी तरह से जान लो, जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं होती तुम्हारी लड़की ससुराल में कदम नहीं रख पाएगी और बच्चे को तो छू भी नहीं पाएगी। ए बुद्धे, ज्यादा गुलाटी मत मार, मैं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। ए, ए, मेरा कुर्ता छोड़ो फट जाएगा। अरे छोड़ो, बहुत महंगा कुर्ता है, फट जाएगा। कुर्ता तो क्या, तेरा बहुत कुछ कीमती सामान फाड़ डालेंगे हम। अब ये जो बेइज्जती की है ना, इसको 2 × 4 और 4 × 8 करके लौटाऊंगा, समझे? अब हटोगे या हटवाऊं? अरे कंचन, अभी के बाबूजी कहाँ गए? कुछ पता है? आपको कुछ बताया नहीं अम्मा? अजीब बात है, आज तो दुकान का भी छुट्टी है और फिर भी चले गए और मोबाइल भी नहीं उठा रहे। हाँ अमित जी और देवर जी भी सुबह से कहीं गए हैं। जैसा बाप वैसे उसके बेटे। का नहीं आए हैं? अच्छा ठीक। हाँ अम्मा, सब के यहाँ फोन करके पूछ चुके हैं, पिताजी किसी के यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। भैया मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए, कहीं ऐसा ना अम्मा उन्हें कुछ हो गया। पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज करवा देंगे, लेकिन पिताजी लौट के आने के बाद जब पूछेंगे कि पुलिस स्टेशन में आने जाने में कितना पैसा लुटवाया है, वो हिसाब किताब तुम दोगे? ये लीजिए, आप लोग खीर खाइए। खीर? यहाँ पिताजी सुबह से गायब है, घर नहीं आए हैं, और तुमको ये खीर सूझ रहा है? बाबूजी नहीं है तभी तो खीर बनाया है ना, अगर बाबूजी होते तो खीर बनाने देते क्या? नहीं ना, अभी आप लोग खीर खाइए ना, पता नहीं दोबारा फिर बनाने का मौका मिले या ना मिले। अरे इसमें काजू बादाम हिसाब से डाले हैं कि नहीं? पता है तुम्हारे बाबूजी एक काजू बादाम गिन गिन के रखते। अरे बाबूजी आने से पहले हम बर्तन धुल के रख देंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। अभी अगर बाबूजी आ गए ना तो पता नहीं किस किस के जेब खर्च से पैसे काट लेंगे। चलिए सब मिलके हम खीर खाते हैं। अक्सर अपराध के पीछे 3 कारण होते हैं, संबंधों की उलझन, अहम और अहंकार में लिपटी बदले की भावनाएं, या फिर सब कुछ पाने हासिल कर लेने का लालच और लोभ से भरी आतुरता। कानपुर शहर में 7 अप्रैल 2014 की सुबह अपराध का जो नया चेहरा सामने आया वो बेहद खौफनाक ही नहीं बल्कि हैरान कर देने वाला था। एक रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या जहां कई सवालों के साथ सर उठाए खड़ी थी, वहीं खामोशी से ये बात भी बता रही थी कि इस बर्बर हत्या के पीछे ऐसा कुछ तो जरूर था जो नफरत से सड़कर बेहद कड़वा और जहरीला बन चुका था। शटर खुला है? बाबूजी, 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 पुलिस, पुलिस।
किसी ने बहुत बेरहमी से मारा इसे, जानबूझकर ऐसे मारा है किसी ने, या लड़ाई झगड़े में हुआ है? यहाँ से कोई रुपए पैसे या फिर कोई कीमती सामान गायब है? गल्ले की चाबी और पैसों का हिसाब किताब तो बाबूजी के पास ही रहता था, अब अगर कुछ गायब भी हुआ होगा तो हम बता नहीं पाएंगे। कब हुआ ये? कल दुकान बंद था और बाबूजी सुबह से ही गायब थे। मैं आया देखा तो शटर का ताला खुला हुआ था लेकिन शटर बंद था। मैं शटर खोल के अंदर आया देखा तो बाबूजी यहाँ पड़े थे। बाबूजी, 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 बाबूजी। आप कौन? ये मेरा छोटा भाई है समर्थ। बड़ी अजीब सी बात है, आपके बाबूजी कल से गायब है, आप लोगों ने उन्हें खोजने की कोशिश नहीं की और ना ही आपने रिपोर्ट करवाई? सर हमने तो कोशिश करी थी, अपने रिश्तेदारों को फोन किया था सर, उनके दोस्तों को भी फोन किया था, हमें लगा था सुबह तक ठीक ठाक होके वापस आ जाएंगे सर, पर ये तो। दरअसल हम सोच भी नहीं सकते थे कि बाबूजी के साथ भी कोई कुछ ऐसा कर सकता, उल्टा यही सबको। कल तुम लोगों में से कौन कौन आया था? सर कल दुकान बंद था। कोई सामान चोरी हुआ यहाँ से? नहीं सर। देखिए फिलहाल आप लोगों में से बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए शहर से कोई नहीं जाएगा, जा लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सर उस एरिया में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि कुछ लोगों ने कल सुबह गोपाल जी को अपने दुकान के अंदर जाते हुए देखा था, मगर वो अकेले ही थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस दुकान में पहले से कोई मौजूद था, उसने खून किया और उसके बाद मौका देखकर शटर डाउन किया और भाग गया। लेकिन सर वहाँ पहले से ही कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि अमित जी ने हमें कहा था गोपाल जी के पास एक ही चाबी होती है जो दुकान की ओरिजिनल चाबी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि गोपाल जी के बाद वहाँ कोई आया हो। चलो चलकर देखते हैं कि कौन उनसे इतनी नफरत करता। सर आप लोग इस समय यहाँ पर? आपको जरूरी पूछताछ करनी थी इसलिए। अच्छा ये बताइए कि आपके बाबूजी की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं सर, हमारे पिताजी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो बहुत अच्छे इंसान थे। नहीं अंकल, दादाजी अच्छे नहीं थे। ऐसे नहीं बोलते ना, वो क्या है ना सर, बच्चा है, हर बात को दिल पे ले लेता है। हमारे बाबूजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, बस थोड़े कंजूस टाइप के थे। वो एक दिन क्या हुआ कि दादाजी दादाजी हमको भी ये एप्पल दो ना। एप्पल अभी लो बेटा, लो लो ये लो। पर ये तो सिर्फ छिलका है, हमको वो एप्पल दो ना जो आपके हाथ में है। अरे बेटे एप्पल का असली विटामिन तो छिलके में ही होता है, इसे खूब ताकत आती है, लो पूरा खा लो जाओ। तो आप ये छिलका खा लो ना, हमको वो एप्पल दो। उससे बहस करता है, है? एक झापड़ दूंगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी, भाग यहां से। हाँ सर ये सच है कि हमारे पिताजी थोड़े कंजूस जरूर थे, लेकिन हम सब ने इसको अपना किस्मत मान लिया था, हम लोगों को इससे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। साहब अमित बेटा ठीक ही कह रहा है, पर वो जैसे भी थे घर तो उन्हीं से चलता था। तो फिर उनकी दुश्मनी थी किससे? साहब दुश्मनी जैसा तो उनके साथ कुछ नहीं था, हाँ वो हमारे समधी थे ना, उनके ऊपर खार खाए बैठे हुए थे। समधी यानी कि आपके पिताजी? नहीं नहीं, इसके ससुर जी, हमारी देवरानी कोमल के पिताजी। सर पर वो कल ही कहीं शहर से बाहर चले गए हैं। सर सर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल जी की मौत 11 बजे के आसपास हुई थी सुबह, और मौत के कारण गले में जबरदस्ती ठूसे गए रुपयों और सिक्कों के कारण दम घुटना बताया गया है। लगता है किसी ने भड़ास निकाली गोपाल जी पे, पहले कभी नहीं देखा ऐसा मर्डर। माँ, अरे
अरे बेटा तू आप लोग यहाँ पर? हाँ पापा, अब हम यहीं रहेंगे। क्यों, गोपाल तो मर गए, अब क्या प्रॉब्लम है उस घर में? अंकल, वो भैया ने दुकान पर और घर पर सब चीजों पर कब्जा कर लिया है। अरे कौन तेल में बनाया है जलेबी? कितनी बार बोला है कि पुराने तेल और चाशनी में जलेबी बनाया कर, हाँ? समझ में नहीं आता है तुमको? गरो तेल इस्तेमाल करेंगे तो लोग बीमार पड़ जाएं। चुप, तुमको पगार कौन देता है? हम ना, तो हमारी बात सुन, उन लोगों की बात काहे सुनता है? अभी इसको ले जा, पैक कर और घर भिजवा दे मेरे पत्नी के हाथ में, ठीक है? और वही पुराने तेल और चाशनी में नई जलेबी बना। चल घर भिजवा इसको। तुम्हारे भाई ने कब्जा कर लिया और तुम मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हो? नहीं अंकल, ऐसा नहीं। पापा, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ ही दिनों के लिए, जब तक इनकी नौकरी नहीं लग जाती। इसे जमाई बनाना मेरी मजबूरी थी, लेकिन घर जमाई हरगिज नहीं। पर पापा, ऐसे में हम लोग जाएं कहाँ? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पे रुको, लेकिन एक शर्त पर, एक महीने की मोहलत देता हूँ। एक महीने के अंदर अपने रहने के लिए दूसरा ठिकाना खोज लेना। सर एक सेकंड, आपसे बात करनी है। हमारे परिवार में से कई लोगों को बाबूजी से बहुत शिकायत थी, उनकी कंजूसी और लालच के कारण। गठिया के कारण जमीन में बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है। अरे कम से कम डाइनिंग टेबल खरीद लिए होते तो कम से कम खाना तो आसानी से खा सकते थे। अरे बैठ के नहीं खा सकती हूँ तो खड़ी होकर के खा लिया करो। अब डाइनिंग टेबल और कुर्सियाँ लेंगे, उतने पैसे अगर बैंक में रहेंगे तो उसके ब्याज से तुम्हारी गठिया का इलाज तो हो पाए। बहू रानी, आजकल तुम्हारी उंगलियों में गठिया हो गया क्या? नहीं तो बाबूजी। तो फिर दाल में ज्यादा घी कैसे गिर गया? गिरा नहीं है बाबूजी, हमने डाला है। वो क्या है ना, आप इतना मेहनत करते हैं तो हमने सोचा घी खाएंगे तो आपको शक्ति मिलेगी। अच्छा, तो तुमने जान बूझ करके इतना घी डाला? ठीक है, आज तुम्हारे जेब खर्च के भी 20 रुपए मैं अपने गले में डाल लूंगा, बस हिसाब बराबर। ऐसे क्यों बाबूजी? इसलिए कि गलती तुम्हारी और पैसा हमारा, ये नहीं चलेगा, समझी? ये दाल ले जाओ और इसका घी निकाल करके कल की दाल में छौंक लगा देना, समझी? लो ले जाओ। सामद बेटा, कहीं काम की बात बना? अरे नाम के साथ काम में भी समर्थ होता तो मिलता ना काम। अरे समझने की तो कोशिश करिए। मुझे नहीं सरिता, इसको समझाओ, और अगर नहीं समझता है तो अपनी सारी जायदाद, दुकान मकान सब अपने बेटे अमित के नाम कर दूंगा, समझी? देवर जी, आप भी खाना खा लीजिए। नहीं भाभी, कुछ वक्त मुन्ने के साथ बिता ले। कंचन, आप ना हमसे बात मत करिए, जब भी हम आपकी बात सुनते हैं ना सब काम गलत हो जाता है। अरे हुआ का, इतना जोर जोर से बोल रही हो, आंगन में सब बैठे सुन लेंगे तो गजब हो जाएगा। क्या हुआ, आप ही ने तो कहा था उस बुड्ढे को घी पिला, बुड्ढा खुश हो जाएगा और खरीदारी के लिए पैसा देगा। उस बुड्ढे को तो घी चटवाने से अच्छा होता मैं किसी सांप को दूध पिला देती। कंजूस कहीं का, आपको पता है हमारा मन क्या कर रहा है? का? हमारा मन कर रहा है ना इसी चाकू से उस बुड्ढे का पेट काट दे और सारा घी बाहर निकाल दे और फिर उसके मुंह पे मार के बोले कि लाओ हमारे 20 रुपए। अरे हर बात में जेब खर्च से पैसे काट लेते हैं, आखिर कब तक चलेगा ऐसा? जब वो मरेंगे ना तो घर में और दुकान में जितना घी तेल है उसी से उनको फूंक देंगे। उनकी आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन हमारे दिल को बहुत ठंडक पहुंचेगी। बाबूजी का हत्यारा हमारे परिवार में से ही कोई होगा। तो फिर तुम हत्यारे क्यों नहीं हो सकते हो? क्योंकि सर मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है। अजीब बात है, बाप के मरने के बाद बड़ा भाई सारी दौलत पे कुंडली मार के बैठ जाता है और छोटा भाई अपने परिवार के ही खिलाफ हो जाता है। हमारे परिवार में से कई लोगों को बाबूजी से बहुत शिकायत थी और कैलाशनाथ के घर रहने चला जाता है जिससे उसका बाप नफरत करता था। ये कैलाशनाथ वापस आया क्या? जी मैं कैलाशनाथ, गोपाल जी का समधी, रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर। सुना है काफी नाराजगी थी आपकी गोपाल जी से।
जी नहीं, नाराजगी तो नहीं थी, ये कह लीजिए दुश्मनी थी, नफरत करता था मैं उससे। हमारे साथ आइए, गोपाल जी के लिए आपकी नफरत और दुश्मनी कितनी थी हमें ये जानना है। आज के दौर में हम सब अपनी सोच के चेहरे पर समझदारी का एक मुखौटा लगाकर जरूर चलते हैं, ताकि संबंधों में गर्माहट बनी रहे और हम दूसरों की नफरत का शिकार ना बने। लेकिन कैलाश ने सबके सामने अपने इस मुखौटे को उतार कर रख दिया था और जाहिर कर दिया था कि वो गोपाल के मरने के बाद भी उससे कितनी नफरत करता था। जाहिर था कि इस हत्या के कर्ता और कारण की तलाश में जुटी पुलिस ने कैलाशनाथ को पूछताछ के लिए बुलाया और अब कुछ ऐसी अहम बातें सामने आने वाली थी जो ये तय करती कि क्या कैलाशनाथ की नफरत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो अपना नियंत्रण खोकर अपने समधी गोपाल की हत्या कर बैठा। ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने कि आपकी रिश्तेदारी दुश्मनी में बदल गई थी? रिश्तेदारी काहे की, ये तो हमने समझौता कर लिया था अपनी बेटी की जिद के कारण, वरना ऐसे चिल्लर चोर को मुझ जैसा इनकम टैक्स कमिश्नर अपने सामने खड़ा भी ना होने दे। आप ही का वेट कर रहे थे। जी जी जी, आइए प्लीज कम। बहुत बड़ा घर है आपका, बहुत ही बढ़िया। मीरा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है आपका घर। थैंक यू जी। अरे कविता, इनके खाने पीने का इंतजाम। हाँ, अरे नहीं 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 बहन जी, बस आपका घर देख के ही मेरा पेट भर गया। लगता है कैलाश जी ने अंडर द टेबल खूब मलाई चाटी है। मिस्टर गोपाल जी, बच्चों की रिश्ते की बात कर ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भला घर आती हुई लक्ष्मी को कौन लंबा वेट कराएगा है? मतलब आप इतने भोले भी न बनिए कैलाश बाबू, अरे आप इतना भी नहीं समझते। अरे भाई, आपकी घर की लक्ष्मी मेरे घर आएगी तो खाली हाथ तो आएगी नहीं। तो मेरा मतलब यह है कि जो भी हिसाब किताब की बात है हम लोग पहले ही कर ले, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको दहेज चाहिए? हाँ, अब कोई हम अपना लड़का कोई फोकट में तो आपको थोड़े दे देंगे। उठिए जी, उठो। अरे जी, उठो। क्या कह रहे हैं आप? बाहर में जाओ। अरे अरे, कोई लेना देना नहीं है। आपका लड़का फुकट में बेचो या रद्दी में बेचो, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैलाश बाबू, आप ठीक नहीं कर रही है। ये अच्छा नहीं किया आपने, इसकी कीमत आपको भुगतनी पड़ेगी, कह दे रहा हूँ आपसे मैं। सर उसी वक्त मैंने उस फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन सर मेरी बेटी ने जो है ना रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था। मुझे विश्वास था सर कि कुछ दिनों में वो समझ जाएगी, लेकिन नहीं। फिर एक दिन हुआ यूं कि मेरी बदकिस्मती कहो या फिर ये कोइंसिडेंस कहो, एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम में गोपाल दास की दुकान का नाम निकला। मेरे डिपार्टमेंट से मुझे ऑर्डर मिले गोपाल की शॉप पर छापा मारने। डाटा नीचे कर दो, एक लाइन में खड़े हो, लाइन में खड़े हो जाओ, उठो उठो, एक लाइन में खड़े हो। अरे कैलाश जी, ये सब क्या हो रहा है? क्या है ये सब? इनकम टैक्स रेड है, दिखता नहीं? अरे सर, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। इन्फॉर्मेशन गलत है या सही है, इसकी जांच बाद में होगी। अगर आप दोनों ने सरकारी काम में दखल अंदाजी की तो आपको भी अंदर कर दूंगा। अरे ऐसा कैसे अंदर कर देंगे आप? बाबू जी, अंदर करने की बात कर रहे। अरुण, क्या रहा हो? यस सर। तलाशी लो। यस सर। ये क्या है? सर ये देखिए, यहाँ भी मिला। बहुत सारे पैसे सर। सर सर, ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे दीजिए। देखता नहीं, शायद गिनने में कोई गलती हो गई हो। नहीं नहीं, देखिए आप, मैं आपके हाथ जो होता हूँ हम हिसाब किताब कर लेते हैं। देखिए आप बहुत जुल्म कर रहे हैं मेरे ऊपर। सील कर दो सब कुछ। दरअसल गोपाल को यूं लगा कि वो छापा मैंने जानबूझकर मरवाया है, और एक दिन वो मेरे पास आया। देखिए कैलाश जी, ये मत समझिएगा कि जो छापा पड़ा है मैं उसके डर से आया हूँ। फिर किस लिए आए हो? दरअसल मेरे बेटे समर्थ ने
अपना बुरा हाल बना रखा है। मुझसे अब उसकी परेशानी और नहीं देखी जाती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिना किसी दान दहेज के आपकी बेटी को अपनी बहू बना लूं। इससे मेरी गलती भी सुधर जाएगी और एक परिवार भी बस जाएगा। लेकिन सर मुझे समझ जाना चाहिए था कि 420 बूढ़ा पश्चाताप करने के लिए नहीं है मेरे खिलाफ, ये उसका एक पैंतरा था। कैसा पैंतरा? शादी के बाद हर बार छोटा मोटा बहाना बना के वो दहेज लिया करता था। तो फिर आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाई? सर देखिए, एक ही बेटी है मेरी, पैसों की लालच में ये बूढ़ा कहीं उसका घर न तोड़ दे, इस डर से मैंने उसकी हर बात मान ली। लेकिन सर इसी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हर छोटी मोटी बात पर वो शर्त रखने लगा। जैसे इनकम टैक्स न देने पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी दुकान के बाहर बड़ा सा ताला लटकवा दिया था, वैसे ही जब तक तुम अपने पिताजी से 20 लाख रुपए ससुराल टैक्स के लेकर के नहीं आ जाती हो, तब तक तुम्हारे लिए भी इस घर के दरवाजे पर उतना ही बड़ा ताला लटका हुआ मिलेगा तुम्हें। बाबूजी, मैं उन्हें बता दूंगी, पर अभी तो मुझे अंदर जाने दीजिए। जाओ जाओ, पैसे लेके आओ, तब बात करना, जाओ अभी। बाबूजी नहीं नहीं, बाबूजी सुनिए, ना ना ना, पैसे लेके आओ, पैसे लेके आओ। बाबूजी मेरा बच्चा भूखा है। अगर आपने उस दिन पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई होती तो आज हमें यही नहीं कहना पड़ता कि उनकी हत्या कराने की आपके पास कोई ठोस वजह मौजूद है। कहीं तुमने अपने दुश्मनी तो नहीं निकाली? आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि उस लालची दुकानदार का हत्यारा मैं नहीं हूँ। आपके उनसे आखिरी बार बात कब हुई थी? उस दिन मैं उसे मिलने गया था लेकिन बात नहीं बनी। फिर उस दिन करीब 10 बजे उसने मुझे मिस कॉल दिया था। मिस कॉल इसलिए कि ताकि उसके पैसे खर्च ना हो, मैंने कॉल बैक नहीं किया। उस दिन तुम कहाँ थे? मैं मेरे घर पे था। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। लेकिन जब आप उस हत्यारों को पकड़ लोगे मैं वापस आऊंगा, हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद कह। गोपाल दास को मारना तो सभी चाहते थे, पर मारा किसे? विश्वास और प्रेम के गारे से बना इंसान का हर रिश्ता अनमोल होता है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जब उस रिश्ते में अविश्वास और लालच का दीमक लगने लगता है, तब गहरे से गहरे रिश्ते की इमारत भी पलक झपकते ही टूटकर बिखर जाती है। गोपाल के लालच ने परिवार के हर रिश्ते को खोखला कर दिया था, प्रेम और विश्वास की जगह नफरत और षड्यंत्र ने ले ली थी। और यही वजह थी कि अब सिर्फ कैलाशनाथ ही नहीं, परिवार का हर सदस्य संदेह के घेरे में आ गया था। गोपाल जी का फोन रिकॉर्ड आ गए हैं। उन्हें आखिरी कॉल 7 तारीख को यानी कि हत्या वाले दिन सुबह 10 बजे आया था। और उन्होंने अपना आखिरी कॉल किसे और कब किया था? सर 3 दिन पहले अपनी ही दुकान पे। और उन्हें आखिरी कॉल किसका आया था? सर कॉल किसका आया था ये तो नहीं पता चला, लेकिन अपने ही दुकान के लैंडलाइन नंबर से। इसका मतलब एक बात पक्की है जा, कि जब गोपाल दुकान पर पहुंचा उस वक्त हत्यारा दुकान के अंदर पहले से ही मौजूद था, उसके पास दुकान की चाबी थी और गोपाल उसे जानता भी था। सर फिर तो हत्यारा परिवार का ही कोई है या फिर करीबी कोई जिसकी पहुंच उस चाबी तक थी। लेकिन सर कैलाश जी के पास भी तो हत्या करने की ठोस वजह थी। वजह तो थी जा, लेकिन उनके पास दुकान की चाबी कैसे आ सकती है? एक काम करते हैं, दुकान चलते हैं। लगता है पिताजी की मौत के बाद काम काफी बढ़ गया। सर अब हम घर के बड़े बेटे हैं तो बाबूजी के जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी तो थोड़ी बढ़ी जाती है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिम्मेदारी के पीछे आपके पिताजी की कोई वसीयत हो? सर हमारे पिताजी का कत्ल हुआ है, आप असली कातिल को ढूंढने के बजाय हमारे घर वालों पर शक कर रहे हैं। अमित जी, पुलिस का काम है जांच करना और शक करना, और आपका कर्तव्य बनता है कि हमारी जांच में हमारा सहयोग करें। बताइए हम क्या सहयोग करें? अपनी दुकान की ओरिजिनल चाबी दीजिए। जी जी हाँ, हो सकता है अब वो चाबी ही इस हत्या के रहस्य का ताला खोल दे। लाइए लीजिए। अमित जी, हम आपकी ये चाबी लेकर जा रहे हैं और अपनी जांच होने के बाद ही लौटाएंगे। पुलिस को अब सिर्फ उस डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले की तलाश थी और उन्हें उम्मीद थी कि उसके बाद अपराधी बच नहीं सकेगा। लेकिन सवाल यह था कि क्या पुलिस को वो चाबी मिल जाएगी या फिर वो चाबी उन्हें एक बार फिर से उलझा कर रख देगी।
हेलो, हाँ अच्छा, वेरी गुड सर। इन्फॉर्मेशन मिली है कि 7 तारीख को 11 बजे के आसपास गोपाल के दुकान के बाहर ग्रे कलर की गाड़ी खड़ी थी। नंबर क्या था उस गाड़ी का? सर नंबर के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन गाड़ी के नंबर प्लेट पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा था। ग्रे कलर की कार जिसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, वो गाड़ी आप ही की है ना? वो मेरी थी, अब है नहीं। अच्छा, तो अब ये भी बता दीजिए कि वो गाड़ी अब किसकी है? गोपाल। और ये कब और क्यों हुआ? मैंने कहा आपको खास मुबारकबाद दे दूं कि मेरे बेटे ने आपको नाना बना दिया। बेटा समर्थ जी। मम्मी जी, अब मुन्ना को लेके घर आना। अरे सिर्फ समर्थ क्यों, आप सभी लोग आइएगा, मिलके पार्टी करते हैं। हाँ ये बात तो समझी ने बिल्कुल ठीक कही, हम लोग सब इकट्ठे आएंगे। क्या है संदीप साहब कि आपको तो पता है कि मेरे पास सिर्फ एक स्कूटर है, वो भी पुराना सा। आपके पास तो दो दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी अगर आप मुझे दे दें तो मतलब ये कि अब तो महीने में एक दो बार आना जाना लगा रहेगा ना। और इस तरह वो मुझे ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गया। उस दिन के बाद वो कार उसी के पास थी। ठीक है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमारा मिलना शायद जल्दी हो। इंस्पेक्टर अरुण रावत या? ठीक है, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। जैन साहब, ये तो कैलाशनाथ का आईडी है। जी सर। लेकिन गोपाल का मर्डर तो उसकी शॉप पर हुआ था, फिर इस गाड़ी को यहां तक चलाकर कौन लाया? और ये खून किसका है इसमें? एक काम करो सर, इस आईडी को फॉरेंसिक लैब भेजो, मालूम पड़ना चाहिए खून किसका है, और इस कैलाश नाथ को तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर मेरी कार के बारे में मैं पहले आपसे कह चुका हूँ, रही बात मेरे आधार कार्ड की, वो तो कुछ दिन पहले गुम हो गया। मुझे तो लगता है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अक्सर जब सबूत अपराधी को घेरने लगते हैं, हर अपराधी यही कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। खैर अब आप ये भी बता दीजिए कि आपका वो आईडी कब और कहां खोया था। सर एक मिनट। ये जो सर गाड़ी में आई कार्ड पे जो खून लगा हुआ था वो इंसान का नहीं था। इंसान का नहीं था मतलब? सर मुर्गे का खून था। मुर्गे का खून? इसका मतलब ये कैलाशनाथ सच बोल रहा है, इसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अच्छा उस डुप्लीकेट चाबी के बारे में कुछ पता चला? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन कोशिश जारी है। चाचा हाल फिलहाल में साबुन के छाप लेकर आपसे ऐसी चाबी किसी ने बनवाया क्या? देखो जरा ठीक से। हाँ सर बनवाया तो था। उस आदमी को लेके आऊँ तो पहचान लोगे? हाँ सर पहचान लेंगे। फोटो देखो जरा। हाँ सर पहचान आई आदमी। ये आदमी? हाँ ये आदमी। सर 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 हमने हमने चाबी बनवाई जरूर थी सर, पर हमने हमारे पिताजी का कत्ल नहीं किया है। क्यों बनवाई थी चाबी? बोल। चोरी चोरी करने के लिए। हमारे पिताजी सबके सामने बहुत बेइज्जती किया करते थे इसलिए। बाबूजी सारा सामान आ गया? हाँ सरवन ले जा सारा सामान। तो पैसे वैसे बचे हैं सब लोग आया? हाँ ये 50 रुपए बचे भी हैं और ये लिस्ट। मैंने तुझे 5,000 रुपए दिए थे, ये 4940 का हिसाब है, 50 रुपए तूने मुझे वापस किए, 10 रुपए कहाँ गए?
10 रुपए बाबूजी मैंने भिखारी को दे दिया। मैं तुम लोगों के लिए एक एक पैसा करके जोड़ता हूँ और तू तूने 10 रुपए भिखारी को दे दिए। अरे किस भिखारी को दे के आया है? वो पिछले चौक में बैठता है ना। अच्छा तू अब तू ऐसा कर, उस भिखारी के पास चला जा, उसके पैर पकड़ ले, फिर उसके हाथ जोड़ दे और कह दे कि गुरुजी मुझे ये विद्या सिखा दो, क्योंकि मेरे बाप ने सारी जमीन जायदाद और ये दुकान मेरे छोटे भाई के नाम लिख दिए, समझे? अरे कल तू देखना भीख पे बैठेगा, कोई 10 रुपए भी नहीं देगा तुझे। बाबूजी गलती हो गई। तेरी पॉकेट मनी में 10 रुपए कट। देते हैं कितना है जो 10 रुपए कट? अरे जो भी देते हैं बहुत देते हैं। जा जाके अपना काम कर। सारे वर्कर के सामने बहुत बेइज्जती करते थे हमारी। बाबूजी 300 रुपए मिलेंगे क्या? 300 रुपए? कुछ काम है। ठीक सरवन इधर तो आ। जी शेर जी। ये अपना टेबल साफ करने वाला कपड़ा इसे दे दे। क्यों शेर जी? आज से तेरा काम ये करेगा। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी आप? तुझे 300 रुपए चाहिए ना, और उसी का जुगाड़ कर रहा हूँ। मैं समझा नहीं। अरे समझदार होगा तब समझेगा ना भाई। वो क्या है कि तुझे 300 रुपए चाहिए, कि तू मेहनत करेगा वेटर की तरह से तो तुझे ग्राहक लोग टिप देंगे, और टिप में 300 या 300 से ज्यादा जमा हो जाएंगे, और मुझे भी 300 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। चाहिए तुझे 300 रुपए? नहीं। उसके बाद क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम अपनी दुकान से पैसे चुरा रहे थे, तुम्हारे बाबूजी वहां पहुंच गए और तुमने घबरा करके उनका कत्ल कर दिया, उसके बाद वहां से गाड़ी लेकर के फरार हो गए। नहीं सर, ये बिल्कुल सच नहीं है सर। हम ताला खोल कर अंदर गए, बहुत ढूंढा मगर पैसे मिले नहीं। बाबूजी ने पता नहीं कहां छुपा कर रखे थे, इसलिए हम दुकान में ताला बंद करके और वहां से चले गए। इसे लॉकअप पर डालो, बाकी पूछताछ हम वही करें। यस सर। सर हम सच कह रहे हैं। सर उस गाड़ी के बारे में पता चल गया, मर्डर के एक दिन पहले तक वो किसी वर्कशॉप में थी। कौन से वर्कशॉप में? ये फोटो देखो जरा, ये गाड़ियां आई थी। जी सर, पर इसमें कोई खराबी नहीं थी, इसलिए फोन करके वापस करवा दी। किसको फोन किया था? सर नाम तो नहीं बताया, बट हाँ उनका ड्राइवर आया था अगले दिन गाड़ी लेने। ड्राइवर? ये गोपाल जैसे कंजूस आदमी के पास ड्राइवर कहाँ से आ गया? अच्छा इस ड्राइवर का नाम बता सकते हो? सर नाम एक मिनट चेक करके बताता हूँ। हाँ सर, राजू दुबे नाम था उसका। राजू दुबे। तुम्हारा साहब कौन है? साहब वो गोपाल जी थे ना, उनका बेटा। ये था ये? हाँ सर। अरे समर, इंटरव्यू कैसा हुआ आपका? इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, मगर इतने सारे लोग सिफारिश लेकर आए हुए थे, तुम अपने पापा से बोल के अगर रेकमेंड करवा दो तो शायद काम बन जाए। इंस्पेक्टर साहब आप एक इंटरव्यू हमें भी दे दो तो हम तुम्हें एक ऐसी जगह रेकमेंड कर देंगे जहां से तुम चाहोगे तो भी तुम्हें कोई बाहर नहीं निकालेगा। तुमने कुछ समझा नहीं। तुम्हें अपने पिता गोपाल की हत्या के आरोप में और कानून को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं सर, मुझे अपने लालची और कंजूस बाप से पैसे नहीं चाहिए थे। फिर क्यों मारा अपने बाप को? शांति और सुकून से जीना चाहता था मैं, बिना किसी शर्त के। अगर तुझे बच्चा चाहिए तो अपने बाप से कह मेरी शर्त पूरी करे। उस घटिया गोपाल की एक भी शर्त नहीं मानूंगा मैं। यहाँ पे रुको, लेकिन एक शर्त पर, एक महीने के अंदर अपने रहने के लिए दूसरा ठिकाना खोज लेना। मुझसे मेरी शर्त वापस नहीं करवा पाओगे। अब भरोसा ना हो तो इस बात की दूसरी शर्त लगा लो। तंग आ गया तो दोनों पुट्ठों की लड़ाई से, उनकी शर्तों से। मैंने प्लान बनाया, एक सांप को मारकर दूसरे सांप को फंसा देगा, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर मैंने कैलाश जी का आईडी चुरा ली ताकि उन्हें फंसा सकूं, और फिर उस गार्ड पर मुर्गे का खून लगाकर उसकी गाड़ी में फेंक दिया ताकि सारा शक उस पर जाए। मुझे पता चल गया था कि अमित भैया ने एक और डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी है, उसी चीज का मैंने फायदा उठाया। बाबूजी और कैलाश जी की तो लड़ाई चल ही रही थी, और गाड़ी भी कैलाश जी के नाम पर थी, तो मैंने सोचा उन्हें फंसा दूंगा और खुद बच जाऊंगा। और अपराधी यही सोचता है कि वो अपराध करने के बाद कानून से साफ साफ बच जाएगा,
लेकिन वो ये भूल जाता है कि पुलिस अपराध के दाग खोजते खोजते उन तक पहुंच जाती है ताकि समाज को साफ सुथरा रख सके। याद रखें, लालच एक ऐसी प्यास है जिसे आप जितना बुझाने की कोशिश करेंगे ये उतनी ही और लगती जाएगी। गोपाल का लालच भी एक ऐसी ही प्यास थी जिसने उसके साथ साथ उसके घर परिवार का सुख चैन भी छीन लिया। ज्यादा पैसा बटोरने के लालच में उसके द्वारा लगाई गई शर्तों ने ना सिर्फ उसकी जान ले ली बल्कि परिवार के कई और लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद कर दी। आज उसका अपना ही बेटा उसका हत्यारा बनकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। कोमल से उसका पति जुदा हो गया और उसके बेटे से उसका पिता। याद रखें, सुख से जीने की सिर्फ एक ही शर्त है और वो है संतोष। संतोष वो अवस्था है जिसमें हम अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ संतोष ही है जिससे हम अपने लालच अपने लोभ पर काबू पा सकते हैं। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।